छत्तीसगढ़ में बड़े शौक से खाई जाने वाली भाजी है गोभी भाजी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, स्वागत है आपका अवर कुजीन में। तो आइए रूबरू कराती हूँ आपको चटपटी गोभी भाजी से। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी गोभी और उसकी भाजी आ रही है। तो बेसिकली ये गोभी की पत्तियाँ होती हैं, छत्तीसगढ़ में तो आसानी से ये मिल जाती हैं। अगर आपको ना मिले तो ये गोभी में जो पत्तियाँ होती हैं ये वही हैं, इन्हें ले लीजिए। तो साफ साफ पत्तों को अलग कर लीजिए, देख लीजिए कहीं इसमें कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं है या उनके छोटे छोटे अंडे तो नहीं है। मैंने भाजी को अच्छे से तीन पानी धो लिया है। भाजी में ना खूब सारा लहसुन और मिर्ची डाल के बनाओ ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं 15-20 कली लहसुन के ज़्यादा ही होंगे ले ली हूँ और उसको थोड़ा कूट के रख ली हूँ। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक काट भी सकते हैं। देखिए भाजी को सुधारना कैसे है। भाजी के बीच में जो कड़ा सा डंडल होता है उसको हम चीरा लगा लेंगे ताकि वो दो भाग हो जाए या दो या तीन भाग कर लेंगे उसको, और फिर हम इसको बारीक बारीक काटेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैं चीरा लगा रही हूँ, आप भी ऐसे चीरा लगा लें और फिर हम इसको बारीक बारीक काटेंगे। यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी बनती है ये भाजी, एक बार मेरे कहने से ज़रूर बना के देखें। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। भाजी को ना बारीक काटने का एक ट्रिक होता है, पहले हम ऐसे भाजी को पकड़ लेंगे, इसके बाद हम इसको बीच से दो भाग कर लेंगे, फिर एक साथ लाके हम उसको बराबर एक साथ रख के फिर बारीक बारीक काटने से वो बहुत बढ़िया बारीक बारीक कटते हैं और कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। देखिए अच्छी कटे हैं ना भाजी। मैंने आधा कटोरी चना दाल को पानी में भिगा के रख लिया था 2 घंटे के लिए, वो अच्छे से फूल गए हैं। पहले कुकर में चना दाल डाल देंगे, फिर हमने जो भाजी काट के रखी है वो भाजी को डाल देंगे। 2 पिंच जैसे हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें। 3 मीडियम साइज के रफली चॉप्ड टमाटर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। कुकर की लीड बंद करके हम इसको 4 से 5 सीटी आने तक के पकाएंगे और फिर 5 मिनट के लिए सिम पे रख देंगे। भाजी पक जाने पर हम इसमें तड़का लगाएंगे। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। अब इसमें डाल दूंगी 2 से 3 खड़ी मिर्च को तोड़कर और स्वाद अनुसार मिर्ची, मेरे को मिर्च बहुत पसंद है भाजी में इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, और आपको जो लहसुन मैं दिखाई थी कूटी थी वो लहसुन डाल दिए। वो लहसुन हल्का सा कलर हो आ जाए फिर हम इसमें डाल देंगे भाजी, और अच्छे से हमको इसको मिक्स करके पकाना है। हमारे यहाँ नमक थोड़ा तेज खाते हैं, मैं चखी तो मेरे को नमक कम लगा तो मैं थोड़ा सा नमक यहाँ पे डाल रही हूँ। आप देख कर डालें, अगर आपको सही लगता है तो बिल्कुल ना डालें। पहले भी हम इसमें डाल चुके हैं नमक। अब हमको भाजी को पानी सूखने तक, अच्छे से भुन जाने तक पकाना है। आपके यहाँ गोभी भाजी मिलती है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी गोभी भाजी तो तैयार हो गई है, आप भी बनाकर ज़रूर देखें और कैसा लगा आपको ये मेरे को बिल्कुल कमेंट करके बताएं। और अगर आपको पसंद आती है ये रेसिपी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।